डेफिनेटली दैट माइट हेल्प यू इन स्कोरिंग गुड मार्क्स या नेक्स्ट सेमेस्टर। लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटीज में जो है दोज आर असाइनमेंट बेस्ड। क्या मतलब हुआ? हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वी आर हेयर अगेन विद एन अदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने लगा हूँ स्टडीज़ इन ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्लिकेशंस इन टर्म्स ऑफ क्या हार्डशिप्स हैं स्टूडेंट को यहाँ पे आके किन चीज़ों में स्ट्रगल करनी पड़ती है। फिर सेमेस्टर सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल हो रहा है कि जो टू सेमेस्टर सिस्टम है उसकी बात करें एंड देन प्राइम मिनिस्टर है तो उसमें क्या फ़र्क है एंड देन मूविंग ऑन यहाँ पे जो बैच सिस्टम होता है नहीं होता जिस तरह हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में तो होता है ना कि हमारा ये बैच है दैट विल रन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। तो यहाँ पे वो क्या सिस्टम है, यहाँ पे बैच सिस्टम होता है या नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं ये सारी बातें करने लगा हूँ और यहाँ पे आप लोगों को बताने लगा हूँ कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स जो आप ड्यूरिंग स्टडी कर सकते हैं अलॉन्ग विद द जॉब सो दैट यू गाइज वॉन्ट बी स्ट्रगलिंग मच इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी या गेटिंग गुड ग्रेड्स। सो वीडियो शुरू करने से पहले ये बात करते हैं कि आप में से वो लोग जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं बट दे हैव नॉट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू गाइज आर नॉट गोइंग टू मिस एनी न्यू वीडियोज़। शुरू करते हैं स्टडीज़ इन ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पढ़ाई की ऑस्ट्रेलिया में, तो जो ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई है वो पाकिस्तान इंडिया या मिडिल ईस्ट की बात करूँ तो बहुत आसान है। आसान इन सेंस ये नहीं है कि यहाँ पे पढ़ना नहीं पड़ता, आसान इन सेंस ये है कि हमारे मुल्कों में जो पढ़ाई है दैट इज़ वेरी कम्पटिटिव, यहाँ पे उतनी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। प्लस हमारे जो अगर बात करूँ हमारी होम कंट्रीज़ की तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ़ दी सब्जेक्ट्स या मोस्ट ऑफ द जो सिस्टम है हमारा दैट रिलाइज ऑन द एग्ज़ाम सिस्टम। हमारा हर सेमेस्टर के एंड में या हर क्लास के एंड में एग्जाम्स होते हैं दैट वी हैव टू पास एंड देन वी कैन गो इन टू दी नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट सेमेस्टर। लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटीज़ में जो हैं दोज आर असाइनमेंट बेस्ड। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि आपका कोई फाइनल एग्जाम नहीं होगा, आपके असाइनमेंट्स होंगी 3 से 4 असाइनमेंट्स होंगी डिपेंडिंग अपॉन दी आप कह लें कॉम्प्लेक्सिटी एंड दी लेंथ ऑफ असाइनमेंट डेडलाइन। उसके बाद आपको असाइनमेंट मिल जाती हैं। कोई मेजर असाइनमेंट होती है दैट वेरीज फ्रॉम 40 to 60%। फिर 2-3 माइनर असाइनमेंट्स होंगी दैट वेरीज फ्रॉम 10 to 40%, डिपेंड करता है आपके फैकल्टी मेंबर के ऊपर। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका एग्जाम नहीं होता, और अगर एग्जाम हो भी जाता है सो दैट विल बी एन ओपन बुक। आपको कुछ भी क्रैम करने की जरूरत नहीं है, यू आर अलाउड टू टेक योर नोट्स इन टू द एग्जाम। आप जो है वो बुक लेके जा सकते हैं, एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं एंड देन आप एग्जाम इजीली पास कर सकते हैं। सो इस सेंस में जो यहाँ की पढ़ाई है दैट इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू आवर होम कंट्रीज। एक और चीज़ इस आगे चलने से पहले बताऊंगा कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स खुद सेलेक्ट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बैचलर्स या मास्टर्स में आए हैं तो आपके पास एक लिस्ट आ जाती है दैट दीज आर दी 40 to 50 सब्जेक्ट्स और डिपेंडिंग अपॉन 30 to 40 सब्जेक्ट, जिसमें से आपने कुछ सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने होते हैं एंड देन यू कैन मूव ऑन। लेकिन उसमें एक चीज़ आपने देखनी होती है कि वाट आर द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हों मेक श्योर करें कि यू आर सेलेक्टिंग दी कंपल्सरी सब्जेक्ट। आप कंपल्सरी के अलावा जो भी ऑप्शन है दैट्स टोटली अप टू यू, आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं कौन सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते। एक और चीज़ वो ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स का प्री रेक होता है। प्री रेक में प्री रिक्वायरमेंट होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्वान्टिटी सर्विंग 2 पढ़ना है सो मुझे क्वान्टिटी सर्विंग 1 पास करना होगा। सो मेक श्योर करें कि जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं अब वहाँ नीचे लिखा होगा कि वेदर दिस सब्जेक्ट हैज़ अ प्री रेक और नॉट। इफ येस आपने प्री रेक किया देन यू कैन ईजिली गो टू दी सब्जेक्ट नंबर 2। जो असाइनमेंट की बात करें तो हमारे मुल्कों में तो होता है कि असाइनमेंट में यार मैंने असाइनमेंट बनाई है मैंने अपने दोस्तों को दे दिया और वो इजीली दे कैन चेंज द नेम, थोड़े बहुत डाटा चेंज करेंगे एंड दे कैन इजीली सबमिट। यहाँ पे कॉपी पेस्ट की तरफ मत जाएं प्लीज़, यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करना बिकॉज अगर आप लोग पकड़े जाएँ दैट कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। इन सम केसेस सुनने में आया है कि दे कैन ऑल्सो बैन यू फ्रॉम स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड दैट माइट रिजल्ट इन टू डिपोर्टेशन। ये वही चीज़ है जो मुझे सोचते सुनने में आई है। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मैं पढ़ रहा था तो मेरे आसपास जो स्टूडेंट थे और मेरे सर्कल में जो लोग थे ये सारी बातें उन लोगों से सुनने के बाद ही आई एम टेलिंग यू गाइस। सो प्लीज़ मेक श्योर करें कि असाइनमेंट में कॉपी पेस्ट वाला चक्कर नहीं करना। हमें लगता है हम कर जाएंगे इसे हम पाकिस्तान में करते हैं या इंडिया में करते हैं या तो टीचर को नहीं पता लगेगा बट दैट इज़ नॉट द केस बिकॉज दे हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जिसके थ्रू ये चेक कर लेते हैं कि प्लेजम है या नहीं है। अच्छा हमारे तो ये होता है कि अगर मैंने पहले जमा कराई असाइनमेंट एंड देन यू हैव सबमिटेड तो आपके ऊपर इशू बनेगा। यहाँ पे होता है अगर दो असाइनमेंट्स पकड़ी गई हैं तो दोनों को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि वाई यू हैव गिवन योर असाइनमेंट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं दे सकते, आप बैठ के डिस्कस कर सकते हैं उसकी बंदे की मदद कर सकते हैं बट कॉपी पेस्ट इज़ नॉट द सोल्यूशन।
बाकी बात करेंगे सेमेस्टर की, तो सेमेस्टर रफली जो है यहाँ पे 12 हफ्तों का होता है और 6 हफ्ते के बाद 1 हफ्ते की ब्रेक आ जाती है। अगर मैं बात करूँ मार्च वाले सेमेस्टर की, तो अप्रैल में कहीं जाके इनका ईस्टर आता है, तो आफ्टर 6 मंथ्स यू गेट 1 वीक ऑफ एंड देन नेक्स्ट 6 वीक्स आप पढ़ाई करते हैं एंड देन आपका सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है। जो असाइनमेंट्स हैं मोस्टली दोज आर रिसर्च बेस्ड, आप खुद बैठ के इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं एंड यू कैन ईजिली डू दोज असाइनमेंट्स, बट मेक श्योर यू आर गिविंग देम प्लेंटी ऑफ टाइम, क्योंकि रिसर्च की चीज़ हमारे मुल्कों में नहीं होता कि हमने इस तरह रिसर्च पे चीज़ें बनानी होती हैं, तो शुरू में स्ट्रगल करते हैं, बट इफ़ यू आर गुड इन टू इट इट विल हार्डली टेक, मैं आपको कहूँगा कि 2 to 3 वीक्स टू मेक अ गुड असाइनमेंट। उसके साथ साथ अगर आपके कोई सीनियर्स हैं या अगर आपके आपसे पहले कोई लोग आ चुके हैं जो सेम कोर्स पढ़ रहे हैं, मेक श्योर टू गेट इन टू कॉन्टैक्ट विद दैम। मोस्ट ऑफ द टाइम असाइनमेंट जो है वो थोड़ी सी चेंज होती हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द असाइनमेंट्स विल बी द सेम। तो अगर आप उनसे अच्छे ताल्लुकात बना के रखेंगे और आपकी उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, सो दे कैन गिव देयर असाइनमेंट्स टू यू एज अ हेल्प एज अ गाइड, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट यू हैव टू डू इन दोज असाइनमेंट्स। तो ये चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपनी पढ़ाई या अपने आप कह लें कि 2 साल के स्टडी को ईजी कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये बताऊंगा कि यहाँ पे अटेंडेंस सिस्टम नहीं होता। मैं जब पढ़ा था तो मेरे 4 सेमेस्टर थे 16 सब्जेक्ट्स से, तो मेरी सिर्फ एक सब्जेक्ट की अटेंडेंस थी एंड अनफॉर्चुनेटली वो जो टीचर थे या जो भी हमें पढ़ाने वाला प्रोफेसर था ही इज़ फ्रॉम मिडल ईस्ट, तो उसके जहन में वो थोड़ा सा माइंडसेट था कि अटेंडेंस, यहाँ पे अटेंडेंस का कोई सीन नहीं होता, सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू मिस समथिंग, आपके पोर्टल के ऊपर जो स्टूडेंट पोर्टल होता है हर यूनिवर्सिटी का रिस्पेक्टिव होता है, उस पर सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं एंड यू कैन ईजिली गो देयर और आप वहाँ पर जाके आराम से मिस लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पे वो वाली टेंशन भी नहीं है कि यार मेरी अटेंडेंस मिस हो रही है तो मुझे जाना ही जाना है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि यू आर गोइंग टू मिस द लेक्चर्स, बिकॉज आप क्लास में जाते हैं, आप क्रॉस कल्चर में पढ़ते हैं, फिर ऑब्वियस ही बात है आप जब एक चीज़ सुन रहे होते हैं सो दैट हैव अ डिफरेंट इम्पैक्ट एज कम्पेयर टू रिकॉर्डेड लेक्चर। मैं अगर अभी लैपटॉप पर बैठ के कुछ देखूंगा या सुनूंगा सो डेफिनेटली मेरा दिमाग जो है वो इधर उधर लगा हुआ होगा, सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट व्हाट एक्चुअली द लेक्चरर इज ट्राइंग टू डिलीवर। तो इससे बेहतर है कि आप चले जाएँ, 2-4 घंटे की क्लास होती है, वेरीज 2 से 4 घंटे की क्लासेज होती हैं, लैब्स होती हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो बेहतर है कि आप जाएं, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग देयर तो जो आपका लर्निंग एनवायरनमेंट होता है प्लस जो आपका लर्निंग इम्पैक्ट होता है दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम सिटिंग एट होम। उसके बाद आगे चलेंगे जो क्विजेज आते हैं, क्विजेज जो मोस्टली होते हैं दोज आर फ्रॉम द लेक्चर्स, जो आपने लेक्चर्स पढ़े होंगे इफ़ यू आर गुड आपने पढ़ ली आपको समझ आ गए, तो मोस्ट ऑफ द क्विजेज आर फ्रॉम द लेक्चर्स। क्विजेज जब मैं पढ़ रहा था तो दूसरे साल में कोविड आ गया था, तो हमारे मोस्टली क्विजेज ऑनलाइन थे। उससे पहले की बात करूँ बिफोर कोविड, तो मोस्ट ऑफ द क्विजेज आर ऑनलाइन। उसमें क्या होता है आपको क्विज एलोकेट हो जाता है, हर स्टूडेंट का क्विज एलोकेट हो जाएगा अपने पोर्टल के थ्रू, आपके पास आधे घंटे का टाइम फ्रेम होगा, यू हैव टू डू दैट। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, आपको 3 दिन का टाइम मिल जाएगा कि इस 3 दिन में किसी भी आधे घंटे में आपने करना है, बट वंस आपने वो लिंक ओपन कर दी है आपको उसी अटैम्प्ट में वो खत्म करना है। नॉट लाइक 2 सवाल अभी अटैम्प्ट किए, दो सवाल में कल अटैम्प्ट करूंगा, 2 सवाल में परसों अटैम्प्ट करूंगा, नो, वंस यू हैव ओपन दैट आपको वो खत्म करना ही होता है। उसमें ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है कि क्विज होता है चांस होता है कि दैट माइट बी सिमिलर, बट जो टीचर्स होते हैं उनको पता है कि स्टूडेंट जो वो कॉपी पेस्ट तरफ जाएंगे, सो देयर क्वेश्चन बैंक इज़ वेरी ह्यूज एट द एंड। तो उसमें होता है कि हो सकता है आपको सेम सवाल है, हो सकता है सेम सवाल ना है, बट इफ़ यू आर हैविंग फ्रेंड्स और आप दोस्तों के साथ बैठ के कर रहे हैं सो डेफिनेटली दैट माइट हेल्प यू इन स्कोरिंग गुड मार्क्स। मूविंग ऑन, अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें या डिफिकल्टीज की बात करें तो वो ये है कि असाइनमेंट्स कैन बी ट्रिकी। फर्स्ट अटैम्प्ट में जो चीज़ यहाँ पे बहुत प्रॉब्लमेटिक है या जो चीज़ ने मुझे भी थोड़ा तंग किया था वो ये था कि आई एम नॉट बीन एबल टू आप कह लें टू गेट वट असाइनमेंट इज आस्किंग फ्रॉम मी। मैं उसको आंसर तो कर रहा था बट मुझे ये समझ नहीं आई कि एक्चुअली में मेरे से पूछा क्या जा रहा है। तो उसका नुकसान क्या होता, उसका नुकसान ये होता कि मैं असाइनमेंट सबमिट करा था अपनी तरफ से आई हैव पुट माय 100%, बट जो मेरे से टीचर ने पूछा था मैंने उसको तो जवाब ही नहीं दिया, सो दैट विल रिजल्ट इन टू अ स्ट्रेट 0। सो बेहतर है कि असाइनमेंट समझें, असाइनमेंट्स कैन बी ट्रिकी, वर्ड्स पे फोकस करें एंड देन गोइंग टू यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दैट असाइनमेंट। उसके अलावा जिस तरह मैंने बताया अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं अपने सीनियर्स के साथ बैचमेट्स के साथ और आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो यू कैन ईजिली डू दोज असाइनमेंट्स। एक चीज़ जो हम करते हैं जो गलत करते हैं असाइनमेंट, फॉर एग्जाम्पल मुझे तीसरे हफ्ते में एलोकेट होगी एंड आई हैव टू सबमिट दैट इन द 10th वीक, तो मुझे पता होता है मेरे पास 7 हफ्ते हैं, जिसका मतलब है कि मेरे पास 2 महीने हैं प्लस ब्रेक मिलाऊं तो 8 हफ्ते विच इज़ इक्वल टू 2 मंथ्स। मैं 2 महीने में आराम से असाइनमेंट जमा करा सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं 6 हफ्ते असाइनमेंट को हाथ ही नहीं लगाऊंगा ना खोल के देखूंगा। लास्ट 2 वीक्स में मेरे को प्रेशर बन जाएगा, मुझे ऑब्वियसली पता है जॉब भी करनी होती है, जॉब के साथ मुझे वो भी असाइनमेंट भी करनी है, तो ये चीज़ गलत है और मैं इस चक्कर में अपनी असाइनमेंट ख़राब कर दूंगा। तो मेक श्योर करें कि यू आर मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम। असाइनमेंट खोलें हर हफ्ते जो उस पर आधा घंटा घंटा लगाना है मेक श्योर करें कि आप लगाए जा रहे हैं सो दैट एट द एंड ऑफ 8th वीक जब सबमिशन का टाइम होगा
यू हैव डन प्लेंटी ऑफ वर्क ऑन योर असाइनमेंट और आपको वो सारी हर्डल या वो सारी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ मुझे पैसे भी कमाने हैं तो उसमें क्या होगा। और ये मैं कहूँगा कि अर्निंग अलॉन्ग विथ स्टडिंग कैन बी ट्रिकी, आपको दोनों में बैलेंस लेके चलना है। अगर आप किसी भी एक चीज़ तरफ इंक्लाइंड हो जाएंगे, यू आर गोइंग टू स्ट्रगल विद दी अदर स्टाफ। तो आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलना है। अपना टाइम टेबल एडजस्ट करें, अपने आप को उस हिसाब से अपना क्लास का स्केड्यूल सेट करें कि आप जो है वो ज़्यादा टाइम आने जाने में ज़ाया नहीं कर रहे। उसमें तरीका ये है कि हैक में कहूँगा कि आप ना 2 दिन या 3 दिन कोशिश करें कि अपनी सारी जो कोर्सेज हैं वो क्लासेज हैं यूनिवर्सिटी की वो सेम डे रखें या मैक्सिमम 2 दिन पे ले जाएं। इफ़ नॉट पॉसिबल कोशिश करें कि 3 दिन से ज़्यादा उसको एक्सटेंड मत करें। जब मैं आया था तो मेरे पहले सेमेस्टर में 4 डेज़ अ वीक क्लास थी, तो मेरा आने जाने का टाइम ज़ाया होता था। मेरा वन सेट ट्रैवल इज़ लाइक 45 मिनट्स, तो मैं 1.5 घंटा चार दिनों में 1.5 घंटा जाना और डेली का जाना आना में ज़ाया कर रहा था। तो फिर नेक्स्ट सेमेस्टर मुझे पता लग गया कि आई कैन सेट माई ऑन टाइम टेबल, आई कैन सेट माई ऑन स्केड्यूल। सो मैंने क्या किया, मैंने 2 दिन के ऊपर अपनी सारी क्लासेस जो हैं वो एडजस्ट कर ली एंड देन मैं 4 की जगह 2 दिन जा रहा था। एंड आई हैव 5 डेज टू वर्क ऑन माई असाइनमेंट्स, टू वर्क ऑन माई स्टडीज, प्लस टू डू द जॉब्स एंड मेक साइड हसल या कह लिए अर्निंग, ताकि अगर आप लोगों ने फीस पे करनी है, आपने रेंट्स पे करने, आपने लिविंग एक्सपेंस निकालना, सो यू कैन इजीली डू दैट। सो ये चीज़ है कि जब अपना स्केड्यूल सेट करेंगे, मेक श्योर करें कि आप अपनी क्लासेज या तो सेम डे रख रहे हैं या 2 डेज या एट मोस्ट 3 डेज से आपने ऊपर नहीं जाना। अदरवाइज फिर आप आने जाने में टाइम ज़ाया हो रहा होगा, आप पढ़ाई में भी स्ट्रगल करेंगे प्लस आप जॉब में भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। सेमेस्टर सिस्टम की तरफ आते हैं, सेमेस्टर सिस्टम सेम होता है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में। 2 ही सेमेस्टर होते हैं, जो एक होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम फरवरी या मार्च और जो दूसरा होता है वो जुलाई या अगस्त। वही जिस तरह मैंने आपको बताया कि 12 हफ्ते का सेमेस्टर होगा, सेमेस्टर एंड होगा जून में एंड होगा, तो आपके पास 1.5 महीने की ब्रेक होगी एंड देन यू कैन डू द नेक्स्ट सेशन। और अगर आपका सेशन जो है वो अक्टूबर में या नवंबर में ख़त्म हो रहा होगा तो देन नेक्स्ट सेशन जो होगा दैट विल स्टार्ट इन मार्च या फरवरी। ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं ट्राइमेस्टर की बात करूँ, ट्राइमेस्टर का मतलब ये हुआ कि आपके 1 साल में 3 सेमेस्टर है। एक सेमेस्टर अगर आपका फरवरी में स्टार्ट हो रहा है तो वो 3 महीने रन करके फिनिश हो जाएगा जून में, देन जुलाई में आपका नया स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर चलेगा, नवंबर की छुट्टी होगी, देन दिसंबर जनवरी फरवरी, इस तरह 3 3 करके आपके 3 3 महीने के 3 सेमेस्टर चलेंगे। नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि आप पूरा साल पढ़ाई को दे रहे हैं, आप 9 महीने पढ़ाई कर रहे हैं। ट्राइमेस्टर इसीलिए लोग रिकमेंड नहीं करते, लोग पुश नहीं करते या जाते नहीं हैं, क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर लिमिट इम्पोज होती है कि यू कैन नॉट वर्क मोर देन 20 आवर्स। जब मैं आया था आज 1 जुलाई के बाद से इट इज़ 48 आवर्स पर फोर्टनाइट, आप 48 आवर्स ज़्यादा काम नहीं कर सकते, आपका कोर्स इन इफेक्ट है, आप जॉब नहीं कर सकते। सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है, जिसमें 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर ब्रेक आई है, समर ब्रेक आई है, आप इजीली जॉब कर सकते हैं, अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स आपको अलाउड होते हैं। लेकिन ट्राइमेस्टर में जब आपकी 9 महीने पढ़ाई चल रही होगी तो यू आर नॉट गोइंग टू डू गुड जॉब्स या यू आर नॉट गोइंग टू पुट दैट मच अमाउंट ऑफ एफर्ट और आपके ऊपर वर्क का लिमिट लगी होगी, सो आप अच्छे पैसे नहीं कमा सकेंगे। तो इसीलिए जो है वो लोग ट्राइमेस्टर की तरफ नहीं जाते हैं। बहुत ज़्यादा सवाल आता है ट्राइमेस्टर अच्छा है बुरा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो आई थॉट कि मैं इसी पढ़ाई के ही जब मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा तो मैं उसमें आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह करना है। अच्छा, यहाँ पे अटेंडेंस के ऊपर जैसा मैंने बताया कि स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, इसी तरह आपके ऊपर जो क्लास अटेंड करने जब आप अटेंड कर रहे होते हैं, यू आर अलाउड और यू कैन अटेंड योर कॉल्स, फोन कॉल दे सकते हैं, लैपटॉप पे जो आपने करना है कर सकते हैं, यू आर अलाउड टू लीव द क्लास वेन एवर यू वॉन्ट। बट मेक श्योर करें कि जब आप ये सारे काम कर रहे हो यू आर नॉट डिस्ट्रॉइंग द एटमोसफियर ऑफ अ क्लास और यू आर नॉट डिस्टर्बिंग द प्रोफेसर, क्योंकि आप पढ़ने आए हैं। तो मेरी हमेशा की तरह रिकमेंडेशन या मेरी हमेशा की तरह एडवाइस यही होगी कि मेक श्योर जिस काम के लिए आप आए हैं पहले उस काम पे फोकस करें, एक दफ़ा पढ़ाई कर लें, डेफिनेटली दीज स्टडीज आर गोइंग टू बेनिफिट यू इन द लॉन्गर रन। ये मेरी बात आज आप लिख लें, आपको जब भी फायदा हो आई एम मोर देन हैप्पी आप मुझे अप्रोच करके बता देगा कि पढ़ाई का आपको यहाँ की क्या फायदा हो, और अगर नहीं हुआ तो मुझे तब भी बताना है एंड आई कैन टेल यू गैस के वट आर द मिस्टेक दैट यू गैस आर मेकिंग, बिकॉज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे यहाँ की पढ़ाई ने बैक होम इन पाकिस्तान भी फायदा दिया था और ऑस्ट्रेलिया में भी आज भी अलहमदिल्ला वो फायदा दे रही है। आखिरी टॉपिक की तरफ आते हैं, विच इज़ अ बैच सिस्टम। ऑस्ट्रेलिया में बैच सिस्टम नहीं होता। मैं अगर नस का पढ़ाऊँ तो मैं नस 2014 बैच का हूँ, तो मुझे पता था कि 14 टू 18 बैच में 150 बच्चे हैं, वो 150 हम कह लें सॉर्ट ऑफ एक दूसरे की पहचान बन जाते हैं, हमें पता होता है कि मेरा बैच फेलो कौन था, फिर अराउंड द ग्लोब वो जहाँ भी होगा यू कैन बी इन कॉन्टैक्ट। यहाँ पे सिस्टम नहीं होता। क्यों? अगर मैं बिलफर्ज आया हूँ जुलाई 2018 के सेशन में, तो मेरे क्लास में बैचलर्स के स्टूडेंट भी होंगे, मास्टर्स के भी होंगे, पीएचडी के भी होंगे, और मेरे साथ जो स्टूडेंट पढ़े होंगे वो सिविल के भी होंगे, मेटेरियल के भी होंगे, मैन्युफैक्चरिंग के भी होंगे, केमिकल के भी होंगे। क्योंकि यहाँ पे होता है कि जो कोर्स आपने पढ़ना है वो कोर्स जिस जिस डिग्री में फॉल कर रहा है, रिगार्डलेस बैचलर है मास्टर है या रिगार्डलेस
कौन सी आप कह लें कि ऑक्यूपेशन है, तो जिस जिसका वो होता है, और अगर आपने वो सेलेक्ट कर लिया है तो यू कैन गो एंड यू कैन सिट इन द क्लास। तो उस क्लास में हो सकता है 40 बच्चे हो, सकते हैं उस क्लास में 300 बच्चे हों। सो यहाँ पे कोई बैच सिस्टम नहीं होता, आप पहचान नहीं सकते कि आपका बैच का कौन है। बट अगर बहुत सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि दीज आर गाइज जो मेरे बैच के, या जिनका जो सेशन था हमेशा स्टार्ट हुआ था। डेफिनेटली जब आपके फ्रेंड्स बनते हैं तो आपको आइडिया होता है कि या तो ये मेरे से सीनियर है, या तो ये मेरे साथ का, या ये मेरे से जूनियर है। सो दिस इज हाउ बैच सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया वर्क्स, कि यहाँ पे इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद ग्रेडिंग की बात करेंगे, ग्रेडिंग यहाँ पे एब्सोल्यूट होती है। 80% से ऊपर नंबर लेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द हाईएस्ट ग्रेड। हमारे मुल्कों में उसको अल्फा क्या कहा जाता है या ए प्लस कहा जाता है, यहाँ पे उसको HD हाई डिस्टिंक्शन कहा जाता है। एब्सोल्यूट 80 से ऊपर जाएंगे तो आपको वो ग्रेड मिल जाएगा, आपके एब्सोल्यूट मार्किंग आपके ग्रेड जाएंगे, उसके बाद आपका GPA डिसाइड हो जाता है। और अगर उससे नीचे जाएंगे डेफिनेटली अबव बिलो 50 जाएंगे तो डेफिनेटली दैट्स अ फेल। फिर क्या ग्रेड होते हैं, किस तरह होते हैं, जो ग्रेडिंग सिस्टम होगा उसके ऊपर मैं अगली वीडियो बना लूंगा। अपनी जो स्विनबर्न से मैंने मास्टर्स किया हुआ है, सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर माई स्विनबर्न डिग्री, और मैं आपको बैक साइड लगा के दिखा दूंगा कि किस तरह ग्रेडिंग सिस्टम होता है, हाउ इट वर्क्स। अदरवाइज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, ऑलरेडी ये 14 से 15 मिनट की हो चुकी है, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कवर ऑल दोज टॉपिक्स जो आने वाले बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आई वंस अगेन यू आर नॉट सब्सक्राइब, प्लीज मेक श्योर यू हैड द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गाइज आर नॉट गोइंग टू मिस एनी न्यू वीडियोज, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोज आइंदा आने वाले दिनों में आई एम गोइंग टू अपलोड। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।